चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग टेक नंबर आपका 67 नंबर मैथ्स का जो 40 क्वेश्चन का टेस्ट होता है उसी का डिस्कशन लेकर आया हूं आप लोग के सामने। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे, सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को, एक नंबर क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये एक नंबर सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है आपके पेपर के मुताबिक। यहां देखिए क्या दिया हुआ, कह रहा है एक नाव को 3 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर अपस्ट्रीम मतलब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर गया अपस्ट्रीम, है ना, अपस्ट्रीम यूएस अपस्ट्रीम। फिर बोला गया है, और ये यहां पे थोड़ा सा आप ये कर लेना, ये दिया हुआ है आपका ना 1.2 कहने का मतलब होता है कौन सा बुक का है, बुक का नहीं है टेस्ट का है वो 1.2 को हम लिख सकते हैं 4.5। ये अनुप्रवाह मतलब डाउनस्ट्रीम मतलब धारा के दिशा में जा रहा है, तो ये डाउनस्ट्रीम डीएस। और आने और जाने में टोटल समय लगा है यहां कितना बोला गया है 45 मिनट टोटल समय लगा है, ठीक है। फिर बोला है जबकि 3.6 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब अपस्ट्रीम में 3.6 किलोमीटर आपका दिया हुआ है क्या ऊर्ध्व प्रवाह मतलब कह रहा है अपस्ट्रीम प्लस 2.4 डाउनस्ट्रीम में दो इक्वेशंस बनेगा, और दो इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये टोटल 39 मिनट हुआ। अब यहां से इक्वेशन वन और इक्वेशन दो को दोनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए पूछ रहा है नाव की अनुप्रवाह मतलब डाउनस्ट्रीम में इसकी चाल क्या होंगी, मतलब डीएस का मान पूछ रहा है, डीएस मतलब पूछ रहा है, तो डीएस की बात बोल रहा है, तो डीएस देखो कैसे निकलेगा भाई, तो ये डीएस डीएस बचा के रखना मतलब यही पूछ रहा था, तो इसको कट करना है। ये तीन था, ये 3.6 था, तो तीन को हम कितना गुना कर दें 3.6 आ जाएगा 1.2 और इसको भी यहां पे गुना कर देंगे 1.2 और इधर भी 1.2 गुना कर देंगे, तो यहां से ये आ जाएगा। तो देखिएगा ये माइनस तो 12 + 36 3.6 ये कट जाएगा। अब देखो ये 12 गुना अगर करेंगे ये तो ये आ जाता है 5.4 में से 2.4 घट जाएगा तो 3/ds आ जाएगा, और यहां से आपका ये गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 54 में से ये घट जाएगा तो 15 मिनट, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो ये 15/60 ये आपका किलोमीटर पर आवर में, तो 15/60 ये मिनट में था, इसको भी घंटा में चेंज कर दिए तो ये आपका कट गया 5 बार में और ये कट गया 12 बार में, तो डीएस का मान आ गया कितना 12 किलोमीटर पर आवर आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये क्वेश्चंस आपके इक्वेशन से बनते, और इक्वेशन से सॉल्व कर जब हम लोग देखे मेरे भाई, हेलो हेलो आकृति मिश्रा नो वॉइस है भाई, आप देख लो अपना ये वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, ओके है ना वॉइस, देख लेना मोना आप मतलब अपने फोन को ये कर लेना बढ़ा लेना, गुड आफ्टरनून ठीक है। तो यहां से हम लोग डीएस की वैल्यू देखें, अगर यहां पे बोला होता कि अपस्ट्रीम का मान कितना होता, तो अपस्ट्रीम की मान निकालने के लिए तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ता, बराबर करना पड़ता, इसको कट करना पड़ता, तो अपस्ट्रीम निकल जाता, लेकिन यहां पे पूछ रहा था डाउनस्ट्रीम का सवाल। तो देखो इक्वेशन था, इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर पाए और क्वेश्चन को निकाल पाए, तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए वॉइस क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। और अगले सवाल को देखो यहां क्या बोला गया है कि द रेशियो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात दे रखा है। तो एक बात समझिएगा यहां पे अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं एक बेलन का, तो ये आता है आपका 2πRh, और इसकी वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो πr2। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का रेशियो इतना दिया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 4/5 इसका रेशियो दे रखा है। कोई डाउट है यहां तक, है ना, कोई डाउट नहीं, मतलब यहां इस बात को समझिएगा
कि यहां पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 4/5 दिया हुआ है, तो हम लोग के अनुसार यहां पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और वॉल्यूम का रेशियो इतना, दोनों बराबर है, तो पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, एच एस से कट गया, ये कट गया आपका दो बार में, तो आर का मान आ गया कितना, पाई बाई टू। ठीक है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 187, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 187 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2πr, और यहां से दे गया r प्लस h। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हम लोग देख पाए और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 187। अब यहां से सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, यहां पे ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई देखो यहां से निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा 11 दुनी 22, 11 से काटेंगे 11 इकाई 11, और यहां पे 7 11 77, ठीक है 77 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग बात करें 5/2 प्लस एच, यहां से निकल कर आएगा 17 गुना 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 119, और ये आपका 5 दुनी 10 इधर आ गया। तो एच का मान की अगर बात करें तो ये 119/10, इसको सॉल्व करने में जो समय लगेगा भाई, है ना, इसको सॉल्व करने में जो समय लगेगा, तो ये आपका सॉल्व करने में लग गया 10 दुनी 20, तो ये आ जाएगा 238, और ये 50, ठीक है 8, और यहां से देखने को मिला 8 आ गया, 23 में से 5 जाएगा तो ये भी 18, ठीक है, इसको 2 से काटेंगे तो 9, ये 9.18, ये 4 आएगा तो 9.4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, सी। ठीक है, सभी लोग आ रहा है 9.4, बहुत अच्छी बात है। तो ये इस तरीके से सॉल्व कर पाए, ये कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन को सॉल्व किए तो इतना आंसर आया। ठीक है, इतना आंसर आया। कह रहा कि निम्न संख्या में बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक अगर निम्न संख्या में ज्ञात करना है तो यहाँ पे बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, जो सबसे ज्यादा बार आया तो बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा, सबसे ज्यादा बार जो आया वही आंसर हो जाएगा। तो देखिये 15 एक बार और 15 यहां 2 बार, 13 एक बार 13 2 बार, मतलब यहां पे आपका 13 और 15 2 बार आया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि बहुलक आपका 13 और 15, ये आंसर हो जाएगा 13 और 15 हो जाएगा। ठीक है, 13 और 15 हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखो, यहाँ पे कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि पहली 100 प्राकृत संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से चुनी गई संख्या 3 से विभाजित है और 5 से विभाजित है, दोनों से विभाजित है। तो देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, इस बात को समझिएगा कि 1, 2 ये आपका नेचुरल नंबर है, 100 तक नेचुरल नंबर है। यहां देखो क्या बोला है कि वह 3 का गुणज है और 5 का गुणज होना चाहिए या और नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 3 के गुणज जो है वो कौन कौन है, तो 3 के गुणज कितनी ऐसी संख्या होंगे 100 तक, वो निकालना है। तो एक बात बताइएगा, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कितना बार लगेगा, पूरा पूरी लेना है, पूर्ण संख्या लेना है ना, 33.33, लेकिन हमको पूर्ण संख्या लेना है, मतलब 33 एक ऐसी संख्या होगा 1 से लेकर 100 तक, मतलब जो 3 के गुणज होंगे, जो कितने के गुणज होंगे, 3 के गुणज होंगे भाई। फिर देखो यहां से फिर बोला गया क्या, या 5 की गुणज चाहिए, तो 5 की गुणज की अगर मैं बात करूं, 5 की गुणज की मैं बात करूं तो 5 का गुणज यहां से हम 100 तक लेते हैं, ये फिर 1 से लेकर 100 तक 5 के कितने गुणज हैं, तो ये हो गया 20। अब एक बात समझिएगा, या तो 3 का गुणज होना चाहिए प्रोबेबिलिटी में, या तो 3 या तो 5, और 3 और 5 के गुणज का हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं 3 और 5 का गुणज कितना होगा। 100 इसको 5 3 कैल्शियम 15, तो 15 से इसको काटेंगे तो 15 छक्का 90 9 होंगे, मतलब इस बात को थोड़ा सा समझिए, 15 छक्का 90 होगा 6 बार में। ठीक है, अब बात समझिएगा,
कि एक से लेकर सौ तक या तीन से गुणज या तो पांच का गुणज, लेकिन वह संख्या नहीं लेना है जो तीन से भी कट रहा है, पांच से भी कट रहा है, मतलब तीन पांच कैल्शियम पंद्रह से। तो ऐसी कितनी संख्या है जो तीन से भी कट रहा है, पांच से भी कट रहा है? तो ये छह है। तो यहां से अगर हम बात करें टोटल, तो यहां जोड़ेंगे तो ये आ गया तिरपन, तिरपन में से छह जाएगा तो ये आ गया सैतालीस। तो सैतालीस एक ऐसी संख्या है, सैतालीस एक ऐसी संख्या या तो तीन के गुणज है, या तो आपका किसका गुणज है, गुणज है वो पांच का गुणज है। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी में निकालने टोटल संख्या है सौ, इसमें से आपका तीन या पांच का गुणज 47 संख्या है, तो यही आपका प्रोबेबिलिटी आ गया 47/100 इसका सही आंसर हो गया। तो एक बार शेयर कर दो मेरे भाई सभी लोग अपने इस क्लास को, है एक बार शेयर कर दो, प्रोबेबिलिटी आ गया 47/100। बात समझे कि नहीं? कोई डाउट अगर है इसमें तो बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे 47/100 आ गया। और यहां से अगर यहां बोलता तीन और पांच का गुणज की अगर बात करता, तीन पांच कैल्शियम पंद्रह, मतलब यहाँ पे छह हो जाता, छह का सैताल छह बटा सौ हो जाता अगर तीन और पांच का कहता तो। ठीक है, अगले बोला गया है पांच में, यहां पे देखो 21 tan θ = 20। तो यहां से टेन थीटा कितना है, बीस बटा इक्कीस। बताइए यहां से अगर ट्रेंगल की मैं बात करूं, ये अगर थीटा होगा तो ये 20 और ये 21, तो ये आपका 29 होगा। ट्रिपलेट आप जानते हैं, है ना, ट्रिपलेट आपका 20 21 29 होता है। तो ट्रिपलेट आप जानते हैं, तो यहां से आप देखो इसमें पुट करेंगे 1 + sin θ, साइन थीटा का मान 20/29, cos थीटा तो cos थीटा का मान 21/29। इसी तरह से 1 - 20/29 और 21/29, 29, 50, 70, 70/29 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 29, 50 में से 20 गया 30, तो ये कट गया और ये कट गया, आंसर आ गया 7:3, कितना 3, ऑप्शन नंबर ए आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आया। गुड आफ्टरनून पांडे जी, ये आ गया ऑप्शन नंबर। ठीक है, जीनियस जॉन क्लासेस कौन से क्लास, मतलब नंबर आप मेंशन कर देंगे, नंबर आप मेंशन कर देंगे तो वो चीज हम बता देंगे। ठीक है, अब कह रहा है 6 नंबर में सवाल को देखो, 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई वाले दो स्तंभ भूस्थल पर स्थापित है। भूस्थल पर स्थापित कहने का मतलब ये आपका एक पृथ्वी है, ये एक पृथ्वी है और एक आपका 10 मीटर का स्तंभ है और एक आपका 17 मीटर का स्तंभ है। ये 10 मीटर का है और ये आपका 17 मीटर का है। ठीक है, अब देखो यहां क्या बोला गया है, स्तंभों के आधारों के बीच, स्तंभ का आधार स्तंभ के आधार के बीच, बॉटम के बीच का दूरी जो है वो 24 मीटर है। मतलब ये आपका जो दिया हुआ है कितना मीटर का, 24 मीटर का दिया, यहां से लेकर यहां की दूरी जो है वो 24 मीटर है। उनके शीर्ष के बीच की दूरी निकालना, मतलब इसके इसके शीर्ष के बीच की दूरी निकालना, इसी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं इसके बराबर, तो ये 10 तो ये भी 10, ये 17 है टोटल, तो ये आपका कितना होगा 7, क्योंकि ये टोटल 17 है, तो ये 10 तो ये 7, ये 24 तो ये भी 24, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होंगे और ये बराबर होंगे, पैरेलल होंगे और ये दोनों के बराबर, क्योंकि ये एकदम 90 डिग्री पे टिका हुआ है, तो ये 24 तो ये भी 24। तो हम जानते हैं कि ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया, है ना, ये रेड कलर वाला, ये 7 ये 24, तो ये आपका कितना होगा 25। मतलब इसके शीर्ष के बीच का जो दूरी होगा, ये शीर्ष के बीच की जो दूरी होगा वो कितना मीटर का होगा, 25 मीटर का, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिपलेट आप याद रखते हैं मेरे भाई, इस याद रखना कि ट्रिपलेट आपके जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, आपको क्या क्या चीज निकालने के लिए, ट्रिगो में यूज होता है, मेंसुरेशन में यूज होता है, ज्योमेट्री में यूज होगा, तो इस बात को ध्यान रखना कि ट्रिपलेट आपके माइंड में सेट कर लेना, है ना, ट्रिपलेट माइंड में सेट कर लेना और आंसर यहाँ पे निकालना बहुत आसान होता है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, क्लियर है यहां तक, 25 इसका सही आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगले सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये सवाल पूछा गया, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है ए बी और सी, कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है, इसके एंगल बायसेक्टर,
एंगल बायसेक्टर कहने का मतलब ये दोनों एंगल को दो भाग में बांटा गया। एंगल बायसेक्टर जहां पे मिला उसका कोण बनता है 120। ध्यान रखना जब एंगल बायसेक्टर मिलता है तो ये एंगल होता है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। किसी भी त्रिभुज में अगर ए है बी है सी, बी का एंगल बायसेक्टर और सी का एंगल बायसेक्टर यहां पे मिला है और कोण जो बनेगा, ये जो कोण बनेगा तो ये कोण का मान होगा 90 प्लस एंगल ए बाय टू होगा। ठीक है, तो यहां पे जानते हैं इसका यहां पे आंसर, ये हम लोग का अनुसार होगा 90 प्लस एंगल ए बाय टू, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 125। ठीक है, तो एंगल ए बाय टू तो यहां से इधर आएगा तो 25 10 35 हो जाएगा, और एंगल ए का मान निकालेंगे तो 35 गुणे 70, मतलब ये जो एंगल ए आएगा तो ये 70 डिग्री का रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये कॉन्सेप्ट कहता है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। मिथुन रास, गुरु जी प्रणाम, नमस्कार भाई मेरे भाई। तो ये समझना, और थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर इस तरीके का है और ये त्रिभुज ए बी सी, ए बी को बढ़ा दिया, ए सी को बढ़ा दिया, और इसका बाय एंगल बायसेक्टर जहां मिलेगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए बाय टू, अंदर में होगा तो प्लस ए बाय टू होगा, और अगर ये बाहर जब प्रतिच्छेद करेगा, बाहर जब इसके एंगल बायसेक्टर जहां मिलेगा तो ये एंगल 90 यहां पे माइनस होगा, अंदर में होगा प्लस होगा और बाहर होगा तो माइनस में होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है मनीष कुमार, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा कि आठ अंकों की कौन सी संख्या है जिसका, आठ अंकों की संख्या 30 एक्स 55 8y 2 करा कि 88 से डिविजुअल, जब 88 से डिविजुअल है इसका मतलब क्या होगा, ये 8 और 11 से कटेगा, 8 11 से कटेगा, इसका मतलब यहां से 8 का नियम आप जानते हैं, 8 का नियम जानते हैं, आठ का नियम लास्ट की थ्री डिजिट अगर आठ से कट गया तो ये पूरी संख्या आठ से कटेगा, ये 88 से कट रहा है तो 88 से जब ये संख्या कटेगा तो उसके फैक्टर 8 और 11 से भी कटेगा, 8 और 11 ऐसे फैक्टर लेना है दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये 18 और ये 8 और 11 हो गया, तो 8 से इसको काटेंगे तो देखो कैसे इसको निकालेंगे, अगर ये 0 लेते तो 80 कट जाता, 2 से सफल बच जाता, 1 लेंगे तो 80 कटेगा 12 आएगा नहीं होगा, अगर 2 लेते हैं 80 22 नहीं होगा, मतलब y की मान 3 होगा, y का मान कितना होगा 3 होगा, और कितना होगा 7 भी होगा, देख लो, तो मतलब 8 से कटने की अगर बात करेंगे तो y का मान 3 होगा, 80 कटेगा 3 32 हो जाएगा, फिर 80 कटेगा 7 72 आएगा, मतलब y की मान जो होंगे, है ना, तो यहां से आप देखेंगे y से कटने वाला जो संख्या है, y से कटने वाला की अगर बात किए तो y से कटने वाला दो संख्या यहाँ पे आपका मौजूद है, तो अब या y का मान 3 होगा या तो क्या होगा, या तो क्या होगा 7 होगा, इस बात को समझिएगा। अब समझो यहां से 2 लेंगे 30 x 5 y का मान यहां 3 रखते हैं और इसका 2, y का मान यहां क्या रखते हैं, y का मान यहां 3 रखते हैं। अब देखो 11 से कटने का नियम क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट का सम 5 3 8 8 3 11 ये आया, 5 8 5 13 13 2, ये दोनों का जो अंतर होना चाहिए 0 होगा तभी कहेंगे कि 11 से ये संख्या पूरा कटेगा। अल्टरनेट डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट का सम यहां 15 आ गया और यहां x प्लस 11 प्लस x आ गया, तो यहां पे x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, तो x की वैल्यू यहां पे हम क्या रखेंगे 4, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहां पे 4 रखेंगे, तो यहां पूछ क्या रहा है, अगर यहां से पूरे 6 18 और 6 24, बात समझे, तो यहां से अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो यहां से आ गया, देखो y का मान 3 रख देंगे तो यहां y का मान 3 रखेंगे तो 6 गुना 4 और प्लस 6 गुना 3 तो 6 चौक 24 और 6 3 18 42 इसका आंसर आ गया, एक ऑप्शन सी आ गया, एक ऑप्शन सी आ गया। ठीक है,
डिफरेंस जीरो या तो ग्यारह होना चाहिए, ठीक है, जीरो या तो ग्यारह होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखें, ये वाई बराबर इतना रखने पर 42 आ गया, अगर सात भी रख सकते हैं, लेकिन यहां पर ऑप्शन मैच कर गया तो आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो एक बार सात को भी चेक कर लेंगे, कर लेना सात को भी चेक कर लेंगे कि कर दे। थ्री पांच तीन आठ, आठ सात पंद्रह, पंद्रह प्लस एक्स, और ये जोड़ेंगे, ये आ गया पंद्रह, ठीक है। अगर हम यहां पे ये पंद्रह और ये पंद्रह आ गया, ये दोनों का योग अंतर अगर जीरो आ जाए या ग्यारह आ जाए, तो जीरो आने के लिए मतलब एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो जीरो रखने पर आंसर कोई मैच नहीं करेगा, मतलब आपका आंसर मैच कर रहा है वाई बराबर तीन रखने पर, मतलब ये 42 इसका सही आंसर है। सी मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, सी मार के आगे बढ़ जाएंगे, मतलब यहाँ पे सात रखने पर एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा पंद्रह, यहाँ पंद्रह मतलब जीरो आ रहा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन मैच कर रहा है तीन रखने पर आपका 42 आ जा रहा है, इसलिए आंसर 42 हो जाएगा, ठीक है। अमित कुमार कह रहे ये क्वेश्चन टेस्ट में नहीं था सर, 6 to 8 बीपीएससी तैयारी में पानी का टैंक वाला क्वेश्चन बता दीजिए, बीपीएससी गलत आंसर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में, त्रिज्या वाले एक वृत्त में दो बराबर लंबाई वाले समांतर जीवाएं एक दूसरे के 6 सेंटीमीटर के दूरी पर है। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक सर्कल था, ये एक सर्कल था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में दो बराबर लंबाई वाले समांतर जीवाएं एक दूसरे को 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। मतलब कह रहा कि एक जीवा यहां पे है, मान लेते ये जीवा ए और बी है, और इसी के समांतर एक जीवा यहां पे, और दोनों कह रहा है बराबर है, दोनों कह रहा है बराबर है, ये आपका सी और डी, दोनों बराबर है, ये दोनों इधर अगर लेते एक साइड और यहां पे सेंटर, दोनों इधर लेते तो कभी ये जीवा बराबर नहीं होता, एक साइड अगर सेंटर के एक तरफ लेते तो कभी भी जीवा बराबर नहीं होता, मतलब ये अपोजिट में होगा, और ये आपका कह रहा है क्या समानांतर है और बराबर भी है, दोनों कह रहा है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सेंटर से ये तीन और ये भी सेंटर से तीन, क्योंकि ये इसकी इसकी लंबाई अगर बराबर है तो सेंटर से भी ये सेम दूरी पर होगा, सेंटर से भी ये सेम दूरी पर होगा, और ये आपका त्रिज्या कह रहा है 5 है, तो हम जानते हैं ट्रिपलेट 5 है 3 है तो ये 4 होगा, तो ये जानते हैं कि सेंटर से खींचा गया ये लंब ये दो बराबर भाग में बांटेगा जीवा को, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो मतलब यहां पर अगर जीवा की लंबाई की अगर बात करें, लेंथ ऑफ कॉर्ड की बात करें, तो यहां आ जाएगा कितना 2 × 4, मतलब यहां पे 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। प्लीज सर 8 नंबर क्वेश्चन टेस्ट पेपर का बता दीजिए, क्या करें भाई, अभी तो बताएं, जस्ट लास्ट में पूछ लेना अगर कोई भी क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम होंगे, ठीक है ना। 11 नंबर सवाल को देखो, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में अगर ये मध्य बिंदु है, ये मान लेते हैं कोई मध्य बिंदु है, ये ए है, ये बी है और ये सी, ये एम मिड पॉइंट है, जब ये मिड पॉइंट होगा तो ये आपका बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से बात समझना कि एरिया जो आपका डिपेंड करेगा, एरिया जो होगा, एरिया बराबर क्या होता है, देखो ये दोनों एरिया, इसका और इसका एरिया निकालते हैं, देखिए किस पे डिपेंड करेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसका एरिया की अगर बात करें तो हाफ इंटू, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा क्योंकि दोनों बराबर है, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है एम, ठीक है। और यहां से अगर बात करें हाफ इंटू एक्स इंटू, इसका भी क्या होगा एम, तो ये सारे कट जाएंगे, ये रेशियो हो जाएगा 1, मतलब एरिया, देखो एरिया डिपेंड कर दिया, एरिया आपका डिपेंड करिए 1:1 पे, इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा कि यहां पे अगर किसी भी त्रिभुज में
अगर लंब दिया और बेस आपका दो बराबर भाग में ये वन वन में बांटा है तो एरिया भी वन होगा और एरिया भी वन होगा। अगर किसी त्रिभुज में अगर बात कर दे कि यहां से तीन त्रिभुज बना, ये ए के रेशियो में, ये बी के रेशियो में, सी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसको, बेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एरिया भी आपका ए होगा, एरिया भी आपका बी होगा, एरिया भी ए बी सी का रेशियो में होगा। अगर ये आधार, अगर आधार का रेशियो दिया हुआ है तो एरिया, क्योंकि इसकी लंबाई कॉन्स्टेंट होगी, ये सभी त्रिभुज का लंबाई एक ही होगा, तो ये आधार का रेशियो अगर दिया हुआ है इतना, तो इसका एरिया का भी रेशियो हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, यहां पर हाइट जो होंगे, यहां पर हाइट जो होंगे वो आपका कॉन्स्टेंट होंगे, ये सभी ट्रायंगल के लिए हाइट आपका सेम होगा, इस बात को ध्यान रखना, हाइट सेम होगा। तो यहां से एक बात समझिएगा कि यहां पे मिडिल पे काटा गया वन रेशियो वन है, तो एरिया भी देखो यहां कैसे निकल कर आया, वन रेशियो वन, मतलब ये भी वन, ये भी वन आ जाएगा। तो इस बात को समझना, तो यहां से सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि यहां पे एबीसी अगर ट्रायंगल है और बीसी पर एक मध्य बिंदु एम है, मतलब इसको दो बराबर भाग में बांटा है, अगर ये वन होगा तो ये वन होगा, तो एरिया आपका इसका, इसका जो हाइट है कॉन्स्टेंट है, तो ये भी वन, ये भी वन होगा, मतलब वन बराबर दे रखा, सॉरी वन बराबर दे रखा अठारह, तो ये भी वन बराबर अठारह होगा, तो टोटल मिलकर कितना होगा, तो अठारह प्लस अठारह कितना हो जाएगा, छत्तीस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, तो यहां से 36 आ जाएगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा 36। तो याद रखना एक कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर ए से शीर्ष पर कितना भी अगर लाइन खींचा जाए बेस बीसी पर, तो एरिया भी डिपेंड करेगा, ये बेस को जिस रेशियो में बांटेगा एरिया भी वही रेशियो में होगा, क्योंकि हाइट यहां पर क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां दो भाषा में इसको समझ सकते हैं, यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि यदि ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है, जीरो होगा, तो हम कहेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू जीरो होगा, या हम कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्री ए बी सी होगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये कह दे एक लाइन में, और ये कह दे कि यदि ए क्यू क्वेश्चन में कह दे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी अगर जीरो होगा, होगा तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। तो यहां पे दो कंडीशन लागू होंगी, दोनों कंडीशन को समझ पाना कि यहां पे कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्री ए बी सी होगा। तो इसको उसी कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं, यहां ए है यहां पे बी सी है, तो यहां पे हम गुना कर देते हैं अलग से ए, ऊपर नीचे, यहां बी है, क्यों लाए, क्योंकि ए क्यू के रूप में लाना चाहते हैं। एक बात बताइए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी सी, ऊपर आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ये आ जाएगा। एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना होगा, थ्री ए बी सी। तो यहां पे रख दिए थ्री ए बी सी, आंसर हो गया कितना, तीन इसका सही आंसर हो गया, थ्री इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दस, दस क्वेश्चन तो नहीं है, दस नंबर नहीं है इसमें, अब लास्ट में उसको देख लेते हैं। ये इसका आंसर आ गया है ना, ये कॉन्सेप्ट है और इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो यहां पे आ गया इसका सही आंसर आ गया, तीन 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 इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसे आठ नौ दस से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल एक बचता है। अब बात समझिएगा, करक एक ऐसी नंबर चाहिए जो इस संख्या को आठ से भी काट दे, नौ से भी काटे, अगर दस से भी काटे, तो शेषफल एक बचना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि शेषफल अगर हम एक घटा देते हैं तो ये जो संख्या कटेगा, इसका मतलब ये एलसीएम कटेगा और रिमाइंडर प्लस वन होगा, तभी जाके यहां पे ये संख्या, जब इसको इससे डिवाइड करें तो शेषफल कितना बचा देगा, एक बचा देगा, क्योंकि एलसीएम को तो पूरी तरह से खत्म कर देगा, यहां वन बच गया, आपका वन जुट जाएगा, ये संख्या जो होंगे आठ नौ दस से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर एक बचेगा। तो यहां से देखिएगा सिंपल सी भाषा में कि कौन से संख्या में अगर हम ये एक घटा दें तो जो बचेगा वह संख्या आठ नौ दस से कटेगा,
क्योंकि रिमाइंडर बोल रहा है एक बच रहा है, अगर हम यहां से एक घटा देते हैं, अगर ये आठ से काटेंगे रिमाइंडर कह रहा है एक बच रहा है, नौ से काटेंगे रिमाइंडर एक बच रहा है, दस से भी काटेंगे रिमाइंडर एक बच रहा है, तो एक हम हटा देते हैं तो बचा कितना 359। क्या ये आठ से नौ से दस से कटेगा? कभी नहीं कटेगा। दस से कटने का मतलब यूनिट डिजिट जीरो होना चाहिए। यहां भी एक घटाएंगे तो यहां 58 आ जाएगा। क्या ये दस से कभी कटेगा? 358 कभी दस से कटेगा, क्योंकि दस से कटने के लिए यहां पे क्या होना चाहिए? लास्ट में जीरो होना चाहिए। ये भी नहीं होगा। यहां से अगर हम एक घटाते हैं तो ये आ गया 360, और 360 जो संख्या होंगे ये 8 से 9 से और 10 से पूरी तरीके से कट जाएगा। पूरी तरीके से ये क्या होगा? पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा, 8 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 10 से काटेंगे तो रिमाइंडर एक बचेगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 361। ठीक है, 361 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। या तो एलसीएम ले लेंगे, 8, 9, 10 का एलसीएम प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा एलसीएम 9, 72 और 5, 360 और प्लस 1, ये आ गया कितना? 361। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर हो जाएगा। ठीक है, लड़की लोग आंसर खूब दे रहा है, आप लोग भी दो भाई, आप लोग भी दो। देखो यहां से, अगर यहां से थीटा वन प्लस थीटा टू अगर ये 90 डिग्री हो जाता है तो हम कहेंगे कि साइन थीटा वन और कॉस थीटा टू ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से हम कहेंगे कॉसेक थीटा 1 और सेक थीटा 2 ये भी आपका हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। यहां से देख लो, 50 और 40 90, मतलब ये कट जाएगा आपका कितना होगा? 1। ठीक है, क्योंकि अगर या तो ऐसे भी कह सकते हैं सर कि साइन कॉस को साइन में चेंज कर देंगे, साइन 40 आ जाएगा, 1 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका, कितना यहां बच गया? 3। अब देखो तो यहां से, अब देखो यहां से काम कर सकते हैं, ये कॉस 50 दिया है तो इसको लिख सकते हैं काट के, क्या लिख सकते हैं? सेक 50 डिग्री, और सेक 50 डिग्री और कॉस 50 डिग्री इनटू में ये कट कर हो जाएगा कितना? 1। मतलब यहां हो गया 1 प्लस 3 प्लस 2, तो यहां आंसर हो गया कितना? 2। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर टू। इसमें ज्यादा कुछ सवाल ऐसा नहीं था, सवाल बहुत इजी था और आंसर को निकाल पाए। ठीक है, आगे बोलते हैं। यहां पे अगला सवाल कह रहा है, जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, जब किसी अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी अगर 100 था, अगर ये 25% लाभ पर बेचा गया, मतलब 125 पर बेचा गया। यहां देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां से समझने की कोशिश करना, अंकित मूल्य पर बेचा जाता, अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, जब अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा और एसपी और अंकित मूल्य दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये भी बेच रहा है लेकिन मतलब जितना अंकित मूल्य पर रखा हुआ, जितना लेवल लगा हुआ है उसी पर बेच रहा है, तो 25% का लाभ हुआ, मतलब 125 पर बेचा, तो हम जानते हैं यहां पे देखने को मिल रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचा तो मार्केट प्राइस और एसपी दोनों सेम हो जाएगा, तो यह 25% का लाभ पर, मतलब एसपी को ही हम कह सकते हैं, एसपी को ही हम क्या कह सकते हैं, सीपी सॉरी मार्केट प्राइस कह सकते हैं, ये भी मार्केट प्राइस है और एसपी दोनों है, क्या कह सकते हैं? मार्केट प्राइस और एसपी दोनों कह सकते हैं, क्योंकि इसको 25% लाभ पर बेचा है और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचा है तो 25% का लाभ हुआ, मतलब एसपी अगर 125 है तो मार्केट प्राइस भी 125 होगा। अब यहां पे बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 9.6% का छूट दिया गया, तो छूट यहां पे देने की अगर बात किया तो 9.6% निकाल दो, 125 का 25 पंचे और 25 चौका, ये कट गया 2.4, मतलब ये हो गया कितना? 12। मतलब इसका मतलब ये हो गया कितना निकल गया? 12 का छूट दिया तो 113 पर बेच रहा है, मतलब ये डिस्काउंट दिया है तो
ये डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट पे अगर देखने को मिला कि 12 का डिस्काउंट दिया तो 113 पर बेच रहा है, तो देखो यहाँ पे लाभ कितना होगा। तो ये आपका एसपी हो गया। तो 100 पर कोई वस्तु खरीदा था, 113 पर बेच दिया, मतलब ये 13% का उसको क्या होगा, मुनाफा होगा। 100 पर ही दिया है तो 13% इसका सही आंसर हो जाएगा, 13% इज द राइट आंसर, सभी लोग का आंसर आ जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सिंपल सवाल था और इस सवाल को हम लोग बना पाए। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कर 49 से लेकर 125 तक सभी नेचुरल नंबर, तो सभी नेचुरल नंबर लेना है, है ना, सभी नेचुरल नंबर लेना है। ऐसे तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कहां से भाई, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहां 49 से लेना है, 49 50 51 डॉट 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 124 125। इसका कह रहा है सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो यहां पे ध्यान रखना, एक बात समझिएगा, कोई संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या कंटिन्यूटी नेचुरल नंबर है, इसका एवरेज निकालना है। फर्स्ट टर्म, जब ये सीरीज की बात करें, देखो ये सीरीज में है ना, सीरीज में मतलब कहने का मतलब अंतर सबका समान है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 + 5/2 करेंगे तो ये आपका आ गया 3, एवरेज आ गया 3। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं इसी तरीके से, ठीक, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्योंकि ये सीरीज में है, क्योंकि सभी के बीच का एक एक का अंतर है, तो 49 ठीक है, 9 5 14 4 2 6 1 7 71 आ गया, इसको काटेंगे तो ये 8 2 16 और ये 87, मतलब एवरेज हो गया 87, इसका सही उत्तर आ जाएगा, 47। ठीक है, सबसे बड़े सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। बहुत बढ़िया सभी का आंसर आ रहा है। देखो यहां पे क्या बोला है, कह रहा है एक समीकरण है, सॉरी समीकरण, एक लाइन का समीकरण है, ये लाइन है 2x + 3y = 4, एक लाइन है ये आपका 3x - y = 5, ये दोनों एक दूसरे को P बिंदु पर क्या हो रहा है, कट कर रहा है, और P बिंदु पर कट कर रहा है तो ये अल्फा और बीटा कोऑर्डिनेट बनता है एक्स वाई का, अल्फा और बीटा, मतलब एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वो अल्फा और बीटा है, तो यहां से एक्स वाई का वैल्यू निकाल लो। तो यहां हम क्या कर देते हैं, 3 गुना करते हैं, इधर भी 3 गुना करते हैं, इधर भी 3 गुना कर देते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 3 3 9 2, तो यहां हो गया कितना है 11, और यहां 5 3 15 में से 4 चल गया 11, तो ये कट गया आपका कितना x = -1। अब x = -1 इसका मतलब अल्फा का मान कितना आ गया 1। अब ये -1 कहीं भी पुट कर दो, ये -1 यहां पुट कर दिए तो ये आ गया -2, और -2 उधर जाएगा तो y का मान आ गया कितना 2/3 आ गया, देखो 2/3 आ गया, 3 आ गया, देखो -1 ही आया ना, सही है, एक्स का वैल्यू -1 रखेंगे, ओ 6 सॉरी, वाई का मान यहां आ जाएगा 2, वाई का मान यहां 2 आ गया, मतलब बीटा आपका आ गया 2, बीटा कितना आ गया 2 आ गया। अब यहां से अल्फा और बीटा का मान आ गया तो निकालना है 3α - 4β, तो यहां से देखो 3α, अल्फा का मान -1 और ये आ गया कितना, तो -3 और -8, मतलब आ गया -11, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, सी इसका सही आंसर आ गया, क्लियर है, वाई बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अगले सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल को देखो, ये बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा इसमें समय लगे। देखो यहां पे क्या है, जैसे ई रूट दिया हुआ है, पहले इस रूट को देखो, ई रूट हटाने का मतलब क्या हुआ,
या तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर रहा होगा या तो ये प्लस रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तभी तो रूट खत्म होगा। तो यहां पे देखिए ये आपके क्या हुए, ये हो गया आपका क्या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान है और ये आपका टू ए बी है। फॉर्मूला में दो, फॉर्मूला में दो ए, ए की बात करेंगे तीन और बी की बात करेंगे कितना आ गया रूट टू, ठीक है। जैसे देखो इसका स्क्वायर करेंगे नौ, इसका स्क्वायर करेंगे दो, नौ दो ग्यारह हुआ और माइनस टू ए बी, मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपका हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यहां पे आ गया थ्री माइनस टू आ गया, तो थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा। मतलब यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं ये आ जाएगा कितना, इसका वैल्यू आ जाएगा थ्री माइनस रूट टू। आप देखो यहां से अगर करते हैं नाइन और तीन दूनी छ और माइनस माइनस प्लस रूट टू होगा, प्लस रूट टू होगा, ठीक है। अब बताओ नौ में से छ गया कितना है थ्री और थ्री प्लस टू रूट टू आ गया। एक बात बताइए फिर हमको यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है ये फॉर्मूला में है, इसको लिख सकते हैं रूट टू प्लस वन, क्या इसी का स्क्वायर होगा तभी तो ये आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वैल्यू आपका रूट टू प्लस वन है और रूट टू, रूट टू का मान 1.414 इतना ही लेंगे और प्लस वन करेंगे इसका आंसर आ गया 2.414। तो ऑप्शन नंबर लगभग आपको लेना है 2.4, इसका सही आंसर आएगा ए, इसका सही उत्तर आ जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर कहीं पे डाउट है तो बताना। आप याद रखना कि जब भी रूट के अंदर अगर कोई टर्म इस टाइप का दिया रहे तो इसको हर हाल में या तो ए माइनस बी के फॉर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे या ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे तोड़ेंगे आपको दिमाग यहां रखना है कि यहां पे तो ये टू ए बी का टर्म है, टू बाहर निकाल देंगे बचा तीन रूट टू, तो तीन का स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर करेंगे जोड़ेंगे तो ग्यारह आएगा, सेटिस्फाई हो गया। मतलब ये जो वैल्यू आपका आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये आएगा तीन माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, तो तीन माइनस रूट टू आ गया इसका वैल्यू। कैलकुलेशन किए तो यहाँ पे एक बार और स्टेप कर दिए तो इस तरह से आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर आ गया 2.4 इज द राइट आंसर। अगला बोला गया है कि ये 128,12,800 धनराशि पर कह रहा कि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर पांच वर्षों के लिए निवेश की गई, निवेश की जाती है, तो बैंक के द्वारा लौटाए, बैंक को द्वारा लौटाने पर मिश्रधन कितना होगा। थैंक्स सर आपसे, चलिए बहुत बढ़िया। एक बात समझिएगा कि जैसे हमने किसी बैंक से कर्ज लिया और बैंक से जब कर्ज लिया उसको पांच साल के बाद उसको पैसा रिटर्न करना है, तो पांच साल बाद अगर पैसा रिटर्न करेंगे तो इस बात को समझिएगा जब रिटर्न करने जाएंगे तो जो हमने कर्ज लिया और जो ब्याज लिया दोनों मिलकर पैसा देंगे, मतलब अमाउंट देंगे। तो अमाउंट यहां निकालना है, अगर हम यहां पे एसआई की बात करेंगे तो 9% की दर से हर साल 9% लग रहा है, कितने साल, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, मतलब इसका 12,800 का ये 45% निकालेंगे तो ब्याज निकलेगा, डायरेक्ट हमको अमाउंट निकालना है। तो मान लो मूलधन 100, 45 ब्याज, तो 145 आपका क्या निकल कर जाएगा, आपका अमाउंट निकल जाएगा, है ना। तो ये 18,560 इसको कर लेना गुना, आंसर आ जाएगा 18,560। या आप एक काम ये कर सकते हैं कि पहले आप एसआई निकाल लो, एसआई निकाल लो और फिर इसके साथ मूलधन को जोड़ दो और ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। एसआई निकाल लो मूलधन के साथ जोड़ दो तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे कि 12,800 को 45% एसआई निकाल लो और यहां जोड़ देना मूलधन में, या हम डायरेक्ट निकाल दें क्योंकि 100 अपने आप में मूलधन होता है, तो 45 आपको ब्याज मिला तो 145 अमाउंट हुआ, तो 18,560 इसका सही आंसर हो जाएगा, 18,560, ठीक है। अगला बोला गया यहां से देखो बहुत बेहतरीन है कि कक्षा 8 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 है, तो 20 × 152 ये टोटल का आपका योगफल, ऊंचाई का योगफल निकल जाएगा, प्लस कक्षा 9 के लिए 15 छात्रों की औसत जो बोला है 158, 15 × 168
20 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट टोटल कितना हो गया 35 से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज निकल जाएगा, सीधा सीधी आंसर आ गया। यहां से देखो 5 से कॉमन हो काटेंगे, 5 से 7 बचे 35, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 दिया 15, ठीक है ये आ जाएगा आपका 15 चौका 60, 4 दुनिया 8 ये इतना आ जाएगा, और 16 तीन 48, 480 8 4 12 6 5 11 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 इकाई 7 4 41 7 5 35 62 लगभग इतना आंसर आएगा, लगभग लेना है ऑप्शन नंबर ये लेना है 158 है ना, नहीं 158 लेना है 158 एक मिनट ही काटो फिर से पूरा पूरी काटना पड़ेगा क्या 159 भी दिया है, 159 भी दिया है पूरा पूरी काटना पड़ेगा, 7 इकाई 7 हो गया कितना 41, 7 5 35, 6 62 8 7 56 56 4 और 2 6 64 8 7 56 तो लगभग ये होगा आपका 159, ये पॉइंट के बाद 5 से ऊपर हो गया तो उसको 115 माइन, अगर ये 158.4 रहता तो इसको हम लगभग मानते कितना 158 ही मानते है ना, 9 नहीं मानते, अगर ये 5 से ऊपर हो गया, ये 5 से ऊपर हो गया है ना, 5 से ऊपर चला गया 6 तो इसको लगभग हम 159 में ले सकते हैं, तो ये आंसर आएगा 159 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ठीक है राइट आंसर होगा, ये आपका पॉइंट मतलब ये 9 के नजदीक है, अगर ये 0.2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो मतलब आप 159 लेंगे पॉइंट, ये 8 से मतलब ये 5 से ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा होगा तो वो 59 में काउंट करते हैं लगभग में, ठीक है अगर ये 4 में होता तो 158 ही चेक करते। देखो अगला सवाल कह रहा है कि एक आयत की भुजा, एक आयत की भुजा ये दिया हुआ आपका भुजा 63 और विकर्ण की लंबाई दिया है 65, तो कह रहा है कि वर्ग की परिमाप क्या होगा है ना, तो यहां से अगर देखने की अगर बात करें तो यहां से अगर देखा जाए इसको आप निकाल लो, एक ये निकाल लो बी निकल जाएगा, ये एल हो जाएगा और बी निकल जाएगा, ठीक है तो बी निकाल लो, ट्रिपलेट हो रहा है क्या, ट्रिपलेट नहीं हो रहा, ठीक है तो यहां से अगर हम एक बार जोड़ते हैं 65 और 63, 5 3 8 6 6 12 और एक बार घटा देते हैं 2, तो ये आ गया 256, ये 256 मतलब ये आ गया टोटल 256 और 256 मतलब ये आ गया 16, तो बी का मान आ गया 16, बी का मान आ गया कितना 16 आ गया है ना, या तो एक ट्रिपलेट भी होता है 16 63 65, अगर याद नहीं रख पाते तो ये 16 63 65 होता, निकाल दिए। कर वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इसके आयत का 1/7 है, इस वर्ग का परिमाप आपको निकालना है, जिसका ये वर्ग की परिमाप निकालना है, कह रहा है कि इसका जो एरिया होगा तो इसका एरिया आपका कितना है 63 × 16, इस एरिया का 1/7 अगर 7 करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा है ना, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, तो यहां से 9 × 63 करेंगे तो ए की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 3 × 4 मतलब 12 आ जाएगा ए बराबर, इसका परिमाप निकालेंगे तो 4 ए होता है तो 4 × 12 करेंगे तो ये आपका 48 आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बहुत समझे, मेरी बात क्लियर हुआ कि नहीं है ना, इसका एरिया वर्ग के एरिया का एक वर्ग का एरिया के वर्ग का एरिया जो है इसके एरिया का 1/7 भाग है, एरिया निकाल दिया इसका 1/7 भाग किए तो वर्ग का एरिया आ गया, तो ए बराबर यहाँ पे आ गया कितना, इतना
पूछ रहा है क्या, इसका इसका पूछ रहा है क्या, इसका पूछ रहा है परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप होता है चार गुना भुजा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए बटन का माध्य, बंटन का माध्य 26 है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहां से हम लोग क्या करते थे, जब भी माध्य निकालने की बात आए तो आपको क्या करना है, जीरो और दस के बीच पांच है, ठीक है, मिड वर्ग लेना है, मध्य वर्ग लेना है, तो ये आपका आ गया कितना 15, यहां पे आ गया 25, यहां आ गया 35 और यहां आ गया कितना 45। मतलब ये वर्ग वर्ग कह रहे हैं, मध्य वर्ग आ गया 5 और बारंबारता 8 है, तो 8 5 कितना बार है 8 बार, तो 8 पंचे टोटल कितना आ गया 40 आ गया, 15 ये कितना आ गया 150 आ गया, ये कितना आ गया भाई 25 के आ गया, ये कितना आ गया 6 पंचे 30 और 6 3 18 210 आ गया। अगर ये बात करें तो 12 पंचे 60, 12 चौक 48, ये 540 आ गया। तो टोटल योगफल की अगर बात करें तो यहां से एक बात समझिएगा कि माध्य बराबर होता है, याद रखना माध्य बराबर होता है ना, योगफल बारंबारता टोटल का योगफल और यहां पे संख्या। तो यहां से माध्य आपका दे रखा है कितना, ये माध्य 26 दे रखा है, तो योगफल की बात करें इस सभी को जोड़ दो, तो सभी को जब जोड़ेंगे तो यहां से आप आ जाएगा कितना 540, 200, 750, 750, 750 और 50, 900, 940, तो ये आ गया कितना 940 प्लस 25 के योगफल आ गया। और संख्या संख्या देखो टोटल यहां पे, ये टोटल संख्या देखो यहां से है ना 18 18 12 आपका आ गया कितना 18 और 12 या 30 और 6 36, मतलब ये 36 प्लस के आ गया। तो यहां पे आ गया 36 प्लस के, ठीक है, तो यहां आ गया कितना 36 प्लस के आ गया, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम है, बोलो। तो यहां से इतनी वैल्यू आ गया और इतनी वैल्यू को हम सॉल्व कर पाए और यहां से हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे, ठीक है, तो यहां से जब इसको सॉल्यूशन करेंगे 36 गुना 26 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 36, है ना, 936, ठीक है, और प्लस 26 के और ये आ जाएगा 940 प्लस 25 के, ये के इधर आएगा और ये उधर जाएगा 4, मतलब के बराबर आ गया कितना 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसकी बेहतरीन है, सभी लोग का बी 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 आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मोना ठीक है भाई, मोना ठीक है, अभिनेता सिंह का 4 है ना, यहां तक ये सारे क्वेश्चंस आ गए बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग देख पाए। ये सवाल को देखो, ये सवाल लग रहा है देखने से बड़ा लेकिन सवाल बहुत ईजी है, बात को समझिएगा। यहां पे क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा कि मिस्टर राम ने अपने धन में से 60% धन अपनी पत्नी को दे दिया, मतलब मिस्टर जो राम है वो जितना कमाता है उसका 60% दे दिया किसको, पत्नी को। अब उसके पास बचा कितना 40 बचा, तो 40% क्या किया, जो बचा धन है उन्होंने अपने तीन बच्चों को 20% प्रत्येक को दे दिया, मतलब 20 20 20 दे दिया, मतलब 60% दे दिया, बचा हुआ धन को 60% को दे दिया। अब कह रहा है इसके पास शेष धन बचा 3/5 भाग, तो 3/5 भाग बचा, 3/5 हिस्सा विविध वस्तुओं पर खर्च कर दिया, तो बचे हुए धन को वो क्या किया, बैंक में जमा कर दिया, यहां ये बोला गया। देखो बेहतरीन तरीके से, मान लेते हैं कि मिस्टर राम का इनकम एक्स था और ये 60% अपने पत्नी को दे दिया, तो इसके जेब में बचा कितना, इसके जेब में बचा आपका 40% बचा, इसके जेब में कितना बचा 40% बचा। अब ये धन जो बचा है इसी धन में से किसको दिया, शेष धन में उसने तीन बच्चे को 20% बराबर बराबर को दिया, प्रत्येक प्रत्येक को दिया, तो 20 20 20, तो ये दिया कितना 60% अपने बच्चे को दे दिया, तो बचा फिर कितना ये 40% बचा। यहां पे बात को समझिएगा कि 60% उसने पत्नी को दिया, तो जो बचा हुआ धन था उसमें से अपने तीन बच्चों को 20% प्रत्येक को 20% दे रहा है, तो तीन बच्चा है तो प्रत्येक को देगा, तो 20 दिया कितना 60% वो दे दिया, तो उसके पास अब धन बचा कितना, शेष धन का 40% उसके पास धन बचा। अब ये जो धन बचा हुआ है
इसमें से कह रहा कि 3/5 भाग विविध पर खर्च कर दिया तो बचा कितना 3/5 खर्च दिया, 5 था उसमें 3 दे खर्च कर दिया तो बचा कितना 2/5 बचा है। ये अब धन इसके पास पैकेट में इतना बचा, ये जो बचा हुआ धन है वो बैंक में जमा करने गया तो बैंक में कितना रुपया जमा किया तो 96,000 रुपया जमा किया। मतलब इधर इसके पास मिस्टर राम के पास सभी को देने के बाद खर्च करने के बाद उसके पास इतना धन बचता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 96,600 धन बचा है। तो यहां से आप देखेंगे निकल ही नहीं रहा है ना, तो आप यहां गड़बड़ किए होंगे, ये कट गया ठीक है, 4 × 16, 16 × 96 ये कट जाएगा आपका कितना 300। तो यहां से x का मान आ गया 5, 5 × 15, 15 पर कितना जीरो, इतना जीरो, ये आ गया मिस्टर राम का इनकम। अब मिस्टर राम का इनकम आ गया तो बोल रहा है यहां पे कि पत्नी को पूछ रहा है कि मिस्टर राम अपनी पत्नी को कितना धन दिया, है ना, मिस्टर राम अपनी पत्नी को कितना धन दिया, तो ये 15.5 लाख का कितना परसेंट दिया है पत्नी को, 60% दिया है, तो 15 × 96, 90 × 3 = 0, तो ये पत्नी को 90,000 रुपया अब दिया था, 90,000 रुपया आंसर ये आ गया 90,000, ठीक है, हाँ ये आ गया 90,000। क्लियर है मेरी बात, इस बात को समझें यहां से, है ना। यहां पे थोड़ा सा है कि अपने तीन बच्चों को 20% प्रत्येक प्रत्येक को दिया, तो 20% 20% 20% 60% दे दिया तो बचा कितना 40%, यहां भी 40% बचा, ठीक है। ये सवाल था 3 नंबर, इसका सही आंसर था, ठीक है। अब हम जानते हैं ये सवाल में देखो यहां पे कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएफ और एलसीएम क्रमशः 37 और 444 है, तो यदि पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या निकालो, एक फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एलसीएफ। एक बात बताइए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर क्या क्या दिया हुआ, सॉरी एक पहली संख्या कितना दिया हुआ है 111 और दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, एलसीएम कितना दिया होगा 444, एलसीएफ कितना दिया होगा 30, बस निकल गया। ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, और ये काटेगा कितना बार में, 3 × 3 = 4, मतलब x का माना गया कितना, मतलब जो दूसरी संख्या x मतलब क्या माने हुए, दूसरी संख्या है ना, सेकेंड नंबर ये आ गया कितना आपका 148, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान था सवाल, क्या इस बात को समझ पाए, ये फॉर्मूला आपका कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एलसीएफ दिस नंबर्स, ठीक है, दैट नंबर्स, क्लियर है मेरे भाई, ये क्वेश्चन समझ पाए है ना क्या कहना चाहता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, देखो ये सवाल कहने का है, ये सवाल को समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, कह रहा कि एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 96, 110, 146 है ना, ये दे रखा है, क्लियर है, तो दे रखा है, तो यहां पे एक त्रिभुजाकार दिया हुआ, तीन भुजा दिया हुआ, एक बात समझने की कोशिश करना, ये आपका एक ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट है, देखो ये 90 डिग्री है, ये आपका 96 है, और ये आपका दिया हुआ 110 और ये 146, ये एक ट्रिपलेट है, आप इसको देख लेना, स्क्वायर करके इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है, ये एक ट्रिपलेट है, तो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 × 96 × 11, ठीक है, इसका एरिया एक वर्गाकार मैदान के एरिया के बराबर है, एक वर्गाकार मैदान के एरिया के बराबर है, मतलब इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, तो यहां से देखो क्या कर सकते हैं, तो ये आपका आ गया कितना 48, तो यहां से अगर हम सॉल्व करने की बात करते हैं तो 48 × 11 ये आ गया, अगर यहां से ए स्क्वायर की अगर बात करते हैं, ए बराबर निकालने की अगर बात करते हैं, तो ये 48 निकालना क्या है, भुजा, भुजा निकालना है, ए निकालना है,
तो देखो यहां से 16 3 48, 16 का रूट आपका आएगा 4 और 3 अंदर चल गया तो ये आपका 330 आ गया। यही आंसर आएगा ए का मान। ए मतलब क्या हो गया, साइड, साइड्स का मतलब भुजा, इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया। अगर मेरा बात समझिएगा, ठीक है प्रियंका, अगर बात समझिएगा थोड़ा सा, कि अगर ये आप नहीं जान पा रहे हैं कि ट्रिपलेट नहीं हो रहा, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर ये नहीं सीख पा रहे हैं, तो इसका मतलब समझिएगा आप क्या करना, त्रिभुज इस तरह बना लेना, तो ये 96, ये 110 और ये 46, तो एस निकाल लेना और हीरोन फॉर्मूला से एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी निकाल लेना, एरिया इस तरह से निकाल सकते हैं। ये अगर आपको मालूम है, ये अगर आप सॉल्व कर पाए कि 96 का स्क्वायर 11 110 का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, तो ये एक ट्रिपलेट बनता है और ये ट्रिपलेट एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का भुजा होता है और समकोण त्रिभुज का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, करा एक किसी काम को, एक किसी काम को 36 डेज में, दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अब यहां पे अगर बात करें तो सबसे पहले टोटल वर्क की अगर बात करें तो टोटल वर्क आपका 36 हो जाएगा, टोटल वर्क 36 हो जाएगा, तो ये 1 यूनिट एक दिन में करेगा और ये 12 दिन में जो कर रहा है अभी, ये एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो पूछ क्या रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ मिलकर 3 दिन तक काम करता है, तो 3 दिन तक काम करने की बात करें तो कौन कर रहा है, ए और बी 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन तक काम किया, 3 × 4 = 12 यूनिट ये काम कर लिया 3 दिन में, तो बचा कितना, ये आपका रिमेनिंग वर्क बचा है। तो यही पूछ रहा है कि शेष भाग कितना बचा, तो भाग की बात पूछ रहा है, भाग कितना बचा, तो टोटल बचा है 24, लेकिन कितने, किसमें से 36 में से 24 बचा है, तो ये आ जाएगा कितना 2/3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बहुत आसान सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है पंकज सर, प्लीज प्रीवियस क्वेश्चन को उस टाइप, ठीक है। अब देखो यहां से दो कारें, एक कार है यहां पे, देखो यहां दो कारें हैं, यहां से ए से और शहर बी, यहां से जब दो कारें यहां से खुलती है, एक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है और 90 किलोमीटर गति से चलना प्रारंभ करती है, एक शहर से दूसरे शहर की ओर, है ना, एक शहर से दूसरे शहर की ओर, ठीक है, ये भी चलना स्टार्ट किया और ये भी चलना स्टार्ट किया, तो करिए यदि कार बी को कार ए की तुलना में, कार बी को कार ए की तुलना में, कार ए को कार ए बी के तुलना में एक घंटा कम लगता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, यहां पे याद रखिएगा ये डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है कि नहीं, डिस्टेंस आपका सेम है दोनों के लिए, और जब डिस्टेंस सेम होता है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अगर ये स्पीड दे रखा है कि कार ए आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, और कार बी अगर ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा कितना, 18/95 आएगा, तो 18/95 और 72 इधर आएगा, तो 18/74, मतलब जब ये 72 से चलेगा तो 5 मिनट समय लेगा, जब ये 90 से चलेगा 4 मिनट समय लेगा। तो यहां देखो मतलब ए के तुलना में बी, बी कम समय लिया, तो बी कम समय लिया कितना, एक घंटा कम लिया, मतलब यहां पे देखो एक यूनिट कम लिया, तो एक यूनिट बराबर आपका एक घंटा की बात हो रहा है, तो 5 यूनिट बराबर कितना घंटा हो जाएगा, 5, तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर होता है 4 गुना समय, 4 72 है और इसका 72 और इसी दूरी को तय करने में कितना समय ले रहा है, 5 घंटा, तो 5 से गुणा कर देंगे, ये आपका 360 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब एक और बात कर सकते हैं, बेसिक की अगर बात करते हैं, वो डिस्टेंस डी मानो, तो डिस्टेंस डी मानेंगे तो ये अगर 72 से अगर ये डिवाइड करेंगे तो इसके द्वारा लिया गया समय, और डी इसको 90 से अगर डिवाइड करेंगे इसके द्वारा लिया गया समय, 90 है ना, 90 से इसके द्वारा लिया गया समय, इसके द्वारा लिया गया समय और इसके द्वारा लिया गया, इससे एक घंटा, इसे एक घंटा ही कम लेता है, तो यहां पे आ गया 1, तो इसको आप सॉल्व कर लेना,
इसको भी सॉल्व करके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डी का मान यहां से आप निकाल पाएंगे, डी का मान यहां से क्या करेंगे निकाल पाएंगे, ठीक है। डी का मान यहां से निकाल देना, ठीक है। या ऑप्शन से बाय ऑप्शन मार देंगे कि ये अगर 360 लेंगे तो ये पांच बार में, ये चार बार में, पांच में से चार घटा एक सेटिस्फाई हो गया, मतलब यही आंसर आ जाएगा। आप बेसिक ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, इसमें ज्यादा दोनों में कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। जब किसी संख्या को संख्या से विभाजित किया जाता है तो सेसफुल 9 प्राप्त होता है, सेसफुल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित, 14 से विभाजित अगर किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 14 से विभाजित किया तो 9 बचा, मतलब कोई संख्या है उसको अगर 14 से डिवाइड किया रिमाइंडर 9 बचा। अब इसी को मान लेते हैं, यही मान लेते हैं क्या यही नंबर ही था, इसी को शेषफल कोई नंबर मान लो। अब इसी को जब वर्ग करेंगे तो ये 9 81 आएगा, और इसी को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो इसी को जब 14 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा बताओ। 14 25 70 11, तो ये आ जाएगा 11, ये रिमाइंडर आ जाए। यहां पे याद रखना, जब भी 14 से विभाजित किया रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर कोई आप संख्या मान लो, किसको मान लो रिमाइंडर कोई संख्या मान लो, और जब रिमाइंडर कुछ संख्या मान लेंगे अब रिमाइंडर कोई क्या करेंगे उसको स्क्वायर करेंगे तो 9 का 21 आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर दिए, ठीक है। इसका स्क्वायर किए तो 81 आया, इसको 14 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपका कितना आ गया 11 आ जाएगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा। 29 में देखो, आपको यहां पढ़ना है, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, यहां से पढ़ो। यदि विद्यालय डी और ए के विद्यार्थियों की कुल संख्या, डी दिख रहा है आप लोगों को, हम लिख देते हैं डी आपका 64.8 डिग्री और ई जो है आपका कितना है, इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 7 4 11 1 12 6 5 11 1 12 इतना डिग्री। फिर बोला विद्यालय ए के विद्यार्थी से संख्या एक्स अधिक है, ए का देखते हैं, ए का कहा है? हम लिख दे रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा तो हम नहीं दिख रहा होगा तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं ए का कितना है, इससे कितना अधिक है या ज्यादा है जो भी करना है। तो यहां से अगर बात करें 36, मतलब ये आपका 36 डिग्री ज्यादा है, मतलब यही x बराबर इतना। तो यहां से एक बात समझो, यहां क्या कह रहा है, तो कुछ दिया है नहीं, हाँ यहां दिया विद्यार्थियों की कुल संख्या आपका कितना है 5200। तो ये 5200 टोटल विद्यार्थी की संख्या है, मतलब किसमें टोटल, मतलब कहने का ए बी सी डी ये डिग्री में दिया है, इसका मतलब ये पूरा 360 डिग्री का होगा और 360 डिग्री बराबर दे रखा है, इतना निकालना है एक्स का मान, मतलब ये 36 डिग्री, ये कट गया 10 बार में, ये कट गया आपका, तो यहां आ गया 520, ये आपका एक्स का मान आ गया, मतलब ये दोनों का अधिक या अंतर, मतलब एक्स का मान 520 है तो ये किसके किसके बीच है, तो 500 और 525 के बीच होगा, 520 इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ये देख नहीं रहा यहां पे लिख दिए, ठीक है कोई बात नहीं। यहां देखिए अगर इसको सॉल्व करना है आप तो एक एंगल रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान यहां पे डायरेक्ट इसको बेसिक ही तोड़ देंगे तो आसान हो जाएगा। तो ये आपका कॉट थीटा बराबर होगा कॉस बटा क्या साइन थीटा, और ये रहने देते हैं कॉस थीटा अब एक बात समझिए कॉस कॉस कॉमन हुआ कॉस कॉस कॉमन हुआ खत्म हो गया तो यहां पे आ गया साइन थीटा प्लस 1 और यहां आ गया तो साइन थीटा तो 1 प्लस यहां पे साइन थीटा और ये 1 माइनस
साइन थीटा आपका कट गया। कोई डाउट है यहां तक? बोलो। अब समझिए, फिर इसको हम कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं। तो कंजुगेट मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये आ जाता है साइन थीटा और ये आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा। तो वन प्लस साइन थीटा का बात देखो, यहां सब एक ही बार में कर देते हैं, ध्यान रखना कि वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट आएगा, खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, होल थीटा होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वन तो नहीं आएगा। कैसे? कहां पे हम लोग गलती किए, मिस्टेक किए भाई, दिखा। तो ऑप्शन सेक और टेन में, इसमें हमको करने का कोई जरूरत नहीं। एक मिनट रुक जाओ। ऑप्शन आपका सेक और टेन में, तो साइन कॉस में करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? साइन में कैस करने की जरूरत नहीं। अब देखो यहां से सेक और टेन में है, कॉट को आप तोड़ दो, कॉट को तोड़ दो टेन में, सेक तो ये आप कर दो वन प्लस टेन, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार यहां पे टेन और सेक में दिया था, तो हमने इसको भी तोड़ दिए सेक में, ठीक है? अब देखो यहां से अगर बात कर रहे थे, अगर इसको हम तोड़े, क्योंकि ऑप्शन से हमको पता चल पाया कि ये सेक और टेन के रिस्पेक्ट में है, तो इसको टेन और सेक के ही रिस्पेक्ट में तोड़ देना है, तो आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहां से अगर बात करें तो देखो यहां से सेक टेन यहां इधर इधर चला गया सेक, और ये टेन थीटा, और ये बटा में कट जाएगा, इधर भी बटा में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा और ये टेन थीटा। कंजुगेट मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो सेक थीटा और टेन थीटा, और ये कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो सेक थीटा, तो प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहां से आ जाएगा देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, वन होगा ना, ये वन हो गया, आप समझे, और ये आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, डायरेक्ट यहां कर दिए, वहां पे हम लोग को साइन से कोई मतलब नहीं था, है ना, हम लोग साइन से कोई मतलब नहीं था, यहां क्या कर दिए कि ऑप्शन देखो सेक टेन के रिस्पेक्ट में, सेक टेन के रिस्पेक्ट में, तो कॉट को हम टेन में चेंज कर दिए और कॉस को सेक में चेंज कर दिए, तो यहां से लेंगे तो टेन से कैल्शियम, टेन से कैल्शियम, टेन से खत्म हो गया, तो ये ऊपर चल गया, ये इधर हो गया, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दिए प्लस प्लस में हो गया, तो ये आ गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है वन, और इसका रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर को खत्म कर देगा, और यहां बच जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है? हाँ, वहां से भी आंसर आ जाता है, लेकिन हमने हटा दिए इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहां जैसे जैसे ही ऑप्शन देखे तो ऑप्शन से हमको पता चल पाया कि यहां सेक टेन है, इसलिए हम सेक टेन को यही चेंज कर दिए, वहां से भी आंसर आ जाएगा, वहां भी आंसर आएगा, आंसर पर कोई वहां पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां से भी आंसर आपका आ जाएगा। करा यहां पे पहली पांच प्राकृत संख्या, तो पांच पंद्रह प्राकृत संख्या की लेना है, पहली पांच प्राकृत, एक दो तीन चार 14 और 15, इसका माध्य निकालना है, तो जब ये सीरीज में है तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सीरीज कहने का मतलब अंतर सभी का समान है, तो यहाँ पे इसी तरीके से लेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आधा कर देंगे, तो ये 18 आ जाएगा, 8 आ जाएगा इसका आंसर, सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है? अगले सवाल पे बढ़ते हैं। करे किसी घनाव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल 28 है, एल प्लस बी प्लस एच, ये 28 दिया हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। फिर कह रहा है घनाव की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाव की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एल बी बी एच एच एल, ये आपका ये आता है, तो निकालना विकर्ण,
तो हम जानते हैं, बात समझिएगा हमेशा के लिए, कि अगर किसी घनाभ के विकर्ण की अगर बात किया जाए, तो घनाभ के अगर विकर्ण की बात किया जाए तो घनाभ का जो विकर्ण होता है ना, इसी को हम बोलते हैं विकर्ण। और अगर क्वेश्चंस में कह दे, यहाँ पे कह दे सबसे बड़े बड़े रड को अंट सकने वाले की लंबाई क्या होंगे, तो वही विकर्ण नहीं होगा। किसी अगर बांस की सबसे लंबी छड़ी रखना है इसमें, तो उसकी छड़ी की लंबाई क्या होगा, तो विकर्ण नहीं होगा। और विकर्ण बराबर होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये रूट अंडर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां से आप देखो, इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमको चाहिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये आ जाएगा टू एल बी बी एच एच एल। और क्लियर है यहां तक, बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं बोलो। हाँ, तो यहां से हम लोग देख पाए कि क्यों हम लोग निकालने की कोशिश किए, क्यों हम लोग निकालने की कोशिश किए, तो यहां से हम लोग क्यों विकर्ण की बात किया, विकर्ण में आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तो विकर्ण में हम लोग रूट अंडर निकाल दिए। अब यही रूट अंडर चाहिए, तो यहां से देखो सब कुछ फॉर्म हो गया, तो यहां पे 28 का स्क्वायर कर दो, तो 28 का स्क्वायर होता है 64, मतलब ये आपका 724 होता है, देख लेना। अब देखो इसका मान कितना है, इसका पूरा पूरा मान कितना है, देखो 588, ये निकालना है, यही निकालना है ना, चौदह में उधर चलेगा, चौदह में साठ गया छह, यहां बच जाएगा ग्यारह, ग्यारह में साठ गया कितना दो, और यहां पे काम पे गलती हुआ, देखो चौदह में से छह चल जाएगा, तो 28 का स्क्वायर 84 होता है ना जी, तो 28 यहाँ पे 14 में 60 गया 6, 14 में 60 गया 6, यहाँ बच गया कितना आपका, बच गया यहाँ पे 7, 17 में से अगर 8 चल गया 9 और ये 1, तो यहाँ पे हमको चाहिए विकर्ण, तो विकर्ण की अगर बात करें तो क्या होगा रूट अंडर, ये भी रूट अंडर, तो यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये विकर्ण हो गया। तो ये विकर्ण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। इसका निकल जाएगा कितना आ गया 14 आ गया, 14 आ गया, इसका आंसर 14 हो जाएगा इसका, ठीक है 14 आ जाएगा, 14 आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है ऑप्शन नंबर ए आ गया, क्लियर है यहां तक, 14 इसका सही आंसर आ गया, ठीक ना। तीन 3600 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 3600 के गुणनखंड देखो, गुणनखंड करना आसान है निकालना, 36 को तोड़ो, छत्तीस सौ तोड़ेंगे, चार गुना नौ, नौ चौक 36 और गुना यहां पे, अब 100 को ही जब तोड़ेंगे तो चार गुना क्या लिखेंगे 25, तो देखो यहां पे दो पर पावर दो, दो पर पावर दो चार आ गया, तीन पर पावर कितना दो, और पांच पर पावर ये, तो हम जानते हैं कि इसका गुणनखंड निकालना है, गुणन की कितने गुणनखंड होंगे, गुणनखंड की अगर संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, पावर में एक जोड़कर गुणा कर देंगे सभी को, है ना, जो पावर आएगा आवाज गुणनखंड का जो पावर आएगा, पावर में एक जोड़ देंगे और सब, क्योंकि यहां सभी गुणनखंड निकालना है, तो चार एक पांच तीन तीन 45 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 45, ठीक है। कैसे तोड़ दिए समझे कि नहीं, यहां पे 36 को अलग कर दें, 100 को अलग करें, 36 को लिख सकते हैं 9 चौक 36, 100 को लिख सकते हैं कितना 4 गुना 25, 4 को एक साथ कर दिए तो 2 पर पावर 4 आ गया, 3 को लिखे 3 पर पावर 2, और 5 को लिखे 25 को लिखे 5 पर पावर 2, ठीक है, और पावर में एक 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 जोड़कर सभी को गुना कर दिए, तो वही आपका आ गया कितना। अब देखो यहां से एक समबाहु त्रिभुज है, ये ए है बी और सी मान लो, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है
और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दो और, इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता, ये एक्स और वाई है। इसको बाय ऑप्शन ही बनाना, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये बाय ऑप्शंस ही सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, इस बात को समझिएगा। पहले बताइए तीनों का जो भुजा होता है वो बराबर होता है, इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ, सभी का लेंथ बराबर होगा। जब इसकी लेंथ की अगर बात करें तो यहां से निकालें दो में से दो गया जीरो, और यहां चार में से छह गया माइनस दो का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया दो दुनी चार, इसका भी दो, मतलब ये दो आया तो ये भी दो होगा, ये भी दो होगा, इसकी लेंथ दो दो होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां से अगर मान लेते हैं कुछ पल के लिए ये मानते हैं तो ये दो होना चाहिए, तो अगर दो पांच मानते हैं, दो में से दो गया जीरो और पांच में से चार गया एक, ये दो कभी नहीं आएगा तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको मानते हैं रूट थ्री में से दो गया, तो रूट थ्री में से दो गया तो ये कैलकुलेशन करेंगे और पांच में से चार गया एक, तो तीन दो पांच नहीं आएगा, ये रूट में आ जाएगा तो ये भी आपका नहीं होगा, है ना, ये भी रूट रूट थ्री में से दो जाएगा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, जो कि इसका दो कभी नहीं आएगा। यहां पे देखो ये मान लो एक ऑप्शन आपका दिया है, ये अगर ये मानते हैं, अगर ये कुछ पल के लिए मानते हैं तो यहां पे अगर कुछ पल के लिए मानते हैं तो दो प्लस रूट थ्री माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस प्लस एक्स एक्स वाई का वैल्यू कितना है, पांच में से चार गया, इसका स्क्वायर रूट अंडर करेंगे तो दो से दो कट गया तो ये तीन, रूट तीन का स्क्वायर तीन और ये वन, मतलब ये चार आ गया, मतलब ये दो सेटिस्फाई हो गया, मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभिनंदन भरद्वाज, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, आपका ये आंसर होगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से चलो फिर से समझ लो, यहां पे बोला गया कि ये समबाहु त्रिभुज है, असमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपके बराबर होते हैं, ये अगर ये यहां से निकाले, ये दोनों कोऑर्डिनेट से निकाले तो दो आया, इसका मतलब ये भी दो होगा, ये भी दो होगा। तुम यहां एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट यहां नहीं मालूम है, इसी कोऑर्डिनेट को निकालना है, तो जैसे ही ऑप्शन को लिए, तो जैसे ही ऑप्शन को लिए यहां पर दो और पांच, दो में से दो घटाए तो जीरो आ गया और पांच में से चार घटाए एक आ गया, इसका स्क्वायर किए तो ओनली वन आया, लेकिन आना चाहिए दो, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। बी की अगर बात करते हैं तो रूट थ्री एक्स में से एक्स टू घटा देते हैं का होल स्क्वायर और प्लस पांच में से चार घटा देंगे स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला आप नहीं जानते, वही डिस्टेंस फॉर्मूला को कर रहे हैं तो ये कभी भी आपका दो नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, तो सी ऑप्शन आपका आंसर सही दे दिया, सी इसका सही आंसर दे दिया। ठीक है, ठीक है मोना, चलिए रचना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझ पाए, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। tan x बराबर 3 बाई टू दिया हुआ है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, sin x cos x, sin x cos x, तो यहां पे हम tan x है तो इधर भी tan x बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर नीचे cos x से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर भी cos x से डिवाइड करेंगे तो ये sin बाई cos x हो जाएगा कितना, tan x, और cos खत्म हो जाएगा, cos से cos खत्म होगा, ये 2 बच जाएगा, इसमें cos से डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा tan x और माइनस 2 cos खत्म हो जाएगा। अब tan का वैल्यू रख दो, तो तीन तिया नौ, दो दुनी चार, ये आ गया पांच, फाइव बाई टू, प्लस में ऊपर है ना, तीन तिया नौ, दो दुनी चार, नौ चार आपका तेरह बटा दो, और ये आ जाएगा तीन तिया नौ पांच, दो से दो कट गया, ये आ गया तेरह बटा कितना। आप कभी भी गलती मत कीजिएगा कि साइन का अलग करके और कॉस का अलग पुट करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल से पहले बी का एच का मान निकालना, ये थ्री है ये दो है, फिर एच का मान निकालना, फिर पुट करना, उतना समय लॉस नहीं करना। यहाँ टेन है तो टेन के रिस्पेक्ट में इसको बनाना है, तो कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे, अगर क्वाट रहता तो वो कर दे, ठीक है, ठीक है राशना, चलिए आगे। करा कि दो बिंदुओं को, एक बिंदु यहां से मिलाने वाला रेखा एक लंबवत को बिंदु को यहां पे करता है, तो समीकरण बताना, यहां पे बात समझिएगा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। एक यहां पे लाइन है और एक बिंदु यहां पे आपका, और ये आपका बिंदु, ठीक,
अब कह रहा है एक लंबवत है और ये लंबवत है और यहां पे कहां पे मिल रहा है, टू और थ्री पे गुजर रहा है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एम वन निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। और हम जानते हैं जब लंबवत होता है तो स्लोप आपका एम वन और एम टू हो जाता है कितना, माइनस वन होता है। ठीक है, जब यहां से हम स्लोप निकालते हैं, एम वन का मान निकालते हैं, एम वन का मान निकालते हैं, तो एम वन का मान निकालते हैं तो यहां पे एम वन होता है वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स। तो वाई टू की अगर बात करें तो वाई टू आपका पांच है, पांच में से पांच चला गया पांच, और यहां पे देखे तो पांच, तो ये आपका पांच में से, सॉरी ये y आपका देख लो यहां पे हम रख लेते हैं, ये x2 और ये y2 है और ये x1 और ये y1 है। तो y1 यहां पांच है, पांच में से छह जाएगा, यहां पे पांच रखते हैं और यहां पे छह रखेंगे तो ये आपका माइनस वन होगा। x2 की बात करें तो ये माइनस सिक्स और यहां पे x1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस पांच, तो यहां से आ गया माइनस वन और ये आ गया आपका कितना, माइनस वन, कैंसिल। ठीक, तो यहां से एम वन आ गया, M1 आ गया आपका कितना, 1 आ गया। कोई डाउट है देख लेना आराम से, कहीं पर अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो देख लेना। ठीक है, अगली बात समझ, हम जानते हैं कि M1, M1 into M2 minus 1 है, M1 का वैल्यू आपका 1 आया, तो एक बात बताइए M2 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस वन होगा, तभी तो गुना होके ये आएगा, यहां से ये आ गया। अब जब इस लाइन की, अगर हम यहां एक लाइन में आपका ये दिया हुआ एंगल और इसका हमको निकालना है, आपको इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन निकालना है इस लाइन का, तो एक फॉर्मूला होता है, इस बात को देखना कि y माइनस वाई वन स्लोप m2, इसका दूसरे लाइन के लिए m2 स्लोप है, और x1 x1 x माइनस x1। तो यहां से देखो y की अगर बात करें तो y लिख दिए, और y1 इस लाइन के लिए एक y, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका वाई वन थ्री, और M2 आपका दिया हुआ है, M2 निकाले कितना, माइनस वन, और यहां से X, X1 दिया है कितना, जब इसको सॉल्व किए तो यहां से Y माइनस थ्री, ये कैलकुलेशन है और कोई ये नहीं है, इतना आ गया। ठीक है, तो यहां से सॉल्व किए तो यहां आ गया X प्लस वाई और तीन दो पांच, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ठीक है, ये आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक, बात समझे कि नहीं, कोई डाउट है यहां पे, बोलो भाई, कहीं डाउट है तो बोलो। तो इस बात को समझ पाए, जब भी परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में यहां पे स्लोप का गुणनफल माइनस वन होता है, एम वन इंटू एम टू, एम वन इस दोनों, ये दोनों लाइन से हम लोग निकाल लिए, दोनों कोऑर्डिनेट से निकाल लिए। अब यहां पे एम टू निकल गया, तो एम टू निकल गया तो ये इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं क्या, अभी इस कोऑर्डिनेट से इस लाइन को फाइंड आउट कर लिए और फाइंड आउट करके ये सॉल्व कर लिए, इक्वेशंस आ गया इतना। ठीक है, ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, तो यहां पे 2x प्लस 2x 3x और कितना होगा, कारण इनके घनों का योगफल, घनों की बात करेंगे तो घन इसका अगर करेंगे तो ये 8x की हो जाएगा, इसकी घन की अगर बात करेंगे तो 27x की हो जाएगा, और इसकी घन की बात करेंगे तो ये 125 क्यों आ जाएगा। ठीक है, और ये सभी का योगफल, और सभी का ये योगफल आपका दिया हुआ है इतना दिया, कोई दिक्कत है। अब समझो यहां से अगर हम जोड़ते हैं 25 और 27 बावन अट्ठाईस, ये आ गया 160 एक्स क्यूब, जीरो से जीरो कट गया, और ये 16 से काटेंगे तो 16 दुनी 32, 25 16 इकाई 16, 16 छक 96, तो एक्स क्यूब बराबर आ गया कितना, 216। तो हम कहेंगे एक्स बराबर कितना आ गया, 6। तो पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या मतलब 3x, तो यहां पे 3
एक्स दिया कितना 18 आ गया। ठीक है, बहुत आसान सवाल थे, बहुत इजी सवाल थे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, 24 नहीं होगा भुवनेश्वर, आप 24 लिखे नहीं होगा। ठीक, सही होगा। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ भाई, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताइएगा क्या आने वाला, तब बताएंगे। करा कि एक बाइस्ट सिक्के में चीत आने की प्रायिकता 0/4 है, 0.4 है। इसको लिख सकते हैं 2/5 हो जाएगा। ये क्या है, ये प्रायिकता हेड आने की, तो चीत हेड आने की, हेड आने की, इसको हम कुछ मान लेते हैं, डिनोट करते हैं पी से। और हेड नहीं आने की अगर बात करें, ये आ जाएगा कितना 3/3। अब यहां पे देखो, बात को समझिए। ठीक है, यहां देखो कह रहा है कि हम एक सिक्के को 10 बार उछालते हैं, तो 10 बार जब उछालते हैं तो ठीक 3 चीत आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब 3 चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहां पे सबसे पहले 10 उछाला जाता है, 10 CR। यहां पे एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद कर लेना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। यहां क्या करना है, NCR PR। ठीक है, और यहां पे 1 PNR। देखो यहां पे P आपका चीताने का है, चीताने की, N मतलब कितना बार उछाला गया 10, और 10 CR में से कितना गया 3, है ना। अब P की बात की तो P आपका क्या, हेड आने की प्रायिकता, तो 2/5 कितना है 5, और 2/5 आएगा तो देखो कितना बार आएगा, 2/5 आने की बात किया गया है ना, तो 2/5 आने की बात किया, मतलब यहां पर आपका 3 हो जाएगा, आर दिया हुआ है। फिर यहां से 1 - P, तो 1 - P कह रहा है नो हेड होगा, मतलब यहां पे अगर 1 में से पी घटाएंगे 2/3, मतलब ये 3/5 आपका आ जाएगा 5, तो यहां से आ जाएगा 10 में से 3 गया कितना 7। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, इसी फॉर्मूला से आपको सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात को समझिएगा। तो यहां से देखो निकाल दो फॉर्मूला, निकाल दो, जितना बार उछालेगा जितना बार निकालेगा, सार इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मूला यही होता है, बस इसको सेट कर लेना। तो यहां से अगर निकालने की अगर बात करें, ये वाला अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहां आ जाएगा कितना 8 × 9 × 10, और फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 10 में से 7 वाला फैक्टर उधर खत्म हो जाएगा, तो यहां आ गया 3 × 2 × 1। ठीक है, क्योंकि एन सी आर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर और एन माइनस, ये कितना बार लिखाएगा, और ये लिखाएगा 3 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, यहां पे आ गया 2/3 और 3/1, 5/1, 5 बेस सेम है जुट जाएगा, 1/5 से कट गया तो ये आ गया कितना 5/9, तो नीचे 5/9 है। ठीक, एक ऑप्शन है 2/3, 2/3 6 हो जाएगा, 2/ और 3/8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा।
ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला को याद रखना कि अगर जब भी कहे कि चित आने की प्रायिकता दिया है, या तो आपका हेड और टेल आने की प्रायिकता दिया हो, ठीक है, तो टेल आने की प्रायिकता दिया हो या हेड आने की प्रायिकता दिया है, ये सिक्का 10 बार उछाला जाए या n बार उछाला जाए, तो कह रहा है इसमें ठीक 3 चीत आने की प्रायिकता क्या होगा, या 4 आने की प्रायिकता क्या होगा, 5 आने 4 चीत प्रायिकता क्या होगा, तो इस समय फॉर्मूला यही यूज कर लेना, ये फॉर्मूला को यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा, क्लियर है यहां तक। अगले सवाल की बात किया गया है, यहां देखिएगा, देखो यहां पे बोला गया कि एक द्विघात समीकरण है ये, और यहां अल्फा और बीटा इसका है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, इसके जगह पर यहां पे माइनस में है, तो ये आपका आ जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें तो ये माइनस वन आएगा, क्योंकि माइनस बी बाय ए होगा, तो माइनस बी बाय, तो ये बी ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, अब बटा वन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निकाला है यहां पे अल्फा पा पावर एट, तो अल्फा पा पावर एट निकालना है और बीटा पा पावर एट निकालना है। देखो आराम से निकाल लेंगे, अगर इसको हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये आता है वन का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा प्लस टू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वन माइनस है, तो माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, मतलब ये आ गया तीन। फिर यहां का स्क्वायर करेंगे तो ये अल्फा पावर फोर और बीटा पर पावर फोर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर का स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये तीन, और प्लस टू उधर चल गया, और अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा माइनस वन है, स्क्वायर में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ गया कितना, एक मिनट, स्क्वायर के सॉरी, इसका स्क्वायर करेंगे तीन तिया नौ हो जाएगा ना, और उधर जाएगा दो, है ना, प्लस में इधर हो जाएगा दो, उधर चल जाएगा तो कितना आ गया सेवन। फिर इसको निकालना है तो सात का स्क्वायर, सात का स्क्वायर, और माइनस इधर प्लस में होगा क्योंकि अल्फा बीटा का स्क्वायर होगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, उधर जाके माइनस टू आएगा, ये 49 में से दो चल गया, ये 47 हो गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, हाँ 20 सेट मिलेगा सभी का, कोई दिक्कत नहीं, आप जिस दिन से खरीदेंगे उसी दिन से आपको सेट मिलेगा। ठीक है, ये अगर समझ में आया तो बोलो, नहीं तो फिर से समझाएंगे, तोड़ के समझाएंगे, फिर अगर ये चीज नहीं समझ पाए तो बताओ, हम तोड़ के समझाएंगे। हम सिर्फ यहां क्या किए, ये जो प्लस टू अल्फा और बीटा आता है उसको इधर ले आए, यहां पे देखो प्लस टू स्क्वायर बीटा जो है तो इधर ले आते हैं। ठीक है, आप इसको देख लेना, लास्ट सवाल अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट करेंगे, हम समझाने की कोशिश करेंगे। फिर से, एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 38, उसकी ऊंचाई 105, ये दिया हुआ आपका r बराबर दिया है 38 और ऊंचाई दिया है 105, तो ये कितना होगा आपको निकालना। तो ये निकालने के लिए, क्योंकि हमको यहां चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, आई आर आर प्लस एल होता है, टी एस ए बेस का एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों को जोड़ देंगे। एक बार इसको जोड़ दो, 8 5 13 3 1 4 43, और एक बार इसको घटा दो, तो घटाएंगे तो 15 में से 8 गया यहां पे 7, और यहां पे देखने को मिला 9 में से 3 गया कितना 6, ठीक है, ये 67। ये 11 से कट जाएगा, और 11 से कटेगा 11 इकाई 11 और 13, ठीक है, 15 में से 8 गया 7,
क्या कोई दिक्कत है? देखो तो कितना आ रहा है, क्या टाइप कर दे रहे हो भाई? अगर इस तरह से नहीं कर पाते छोड़ो, इस तरह से नहीं हो पाता तो इसको यहां करो, स्क्वायर कर दो सीधा सीधी, है ना। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये पांच पचे पच्चीस, दस एक ग्यारह एक सौ दस, और ये और समझ लो यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर देना भाई, यहां पे आपका छत्तीस है, करेक्शन कर लेना यहां से, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना यहां पे आपका जो है यहां पे, छत्तीस सेंटीमीटर है भाई, वही सेंसर नहीं आ रहा था। ये 36 है, ये भी 36 है, 1200 ये कितना आएगा, छियानवे, तो ये आ जाएगा 12, इतना आएगा जोड़ने एक बार, ठीक है। तो 1 2 3 2 1 1 2 3 8 2 1, तो इसका आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से रख दो पाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 36, और 36 प्लस 1 1 1, तो 6 7 7 6 42, यूनिट डिजिट 42 होना चाहिए, लास्ट में 2 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सुधार लेना भाई, थोड़ा सा सुधार लेना, ठीक है, सुधार लेना थोड़ा सा क्वेश्चन में, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आपका 38 था 36 हो जाएगा। 6 to 8 का कट ऑफ कितना जाएगा मैथ्स और साइंस में गुरु जी, 6 to 8 में कट ऑफ कितना? भाई एक ही चीज को आप कितना बार लिख रहे हो, आपका टेक्निकल कितना आंसर आ रहा है वो बता दो। हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहां से हम वही देख रहे थे कि यहाँ पे जो तोड़े तो तोड़ने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, तो यहाँ पे आप गलती था उसको हम सुधार देंगे कि ये बेस आपका 36 था, बेस आपका कितना था 36 था, इस बात को समझना, ठीक है। चलिए, तो यहां तक उम्मीद तो नहीं, बाउंड्री के आसपास है, कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज आपको यहाँ पे हो सकता है। तो क्लियर है कौन से सवाल नहीं मतलब हो पाया है,